हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गहलोत ने जोधपुर पहुंच लिया राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का जायजा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक राहुल गांधी सोमवार को प्रदेश के तूफानी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जोधपुर में भी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा की तैयारियों के सिलसिले में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे और यहां पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार सुबह वायु मार्ग से जोधपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे एक निजी होटल में गए, जहां उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की सभा को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी। राहुल गांधी की सोमवार को शाम 4 बजे उम्मेद राजकीय स्टेडियम में चुनावी सभा प्रस्तावित है। इस दिन दोपहर करीब 12 बजे राहुल गांधी जैसलमेर जिले के पोकरण, दोपहर 2 बजे जालौर में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले वे सुबह 8 बजे विशेष विमान से किशनगढ़ एयर स्ट्रिप पर पहुंचेंगे। यहां से 8:30 बजे अजमेर दरगाह शरीफ पहुंचकर जियारत करेंगे। इसके बाद 9:30 बजे पुष्पर के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वे 2 दिन पहले ही जनसंपर्क के बाद जोधपुर से रवाना हुए थे। रविवार को यहां राहुल गांधी की सभा की तैयारियों का जायजा लेने के बाद वे बाड़मेर जिले के बालोतरा के लिए रवाना हो गए। यहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।